आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के केंद्र शासन प्रदेशों को पत्र लिखकर राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए कई मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने CSIR के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात की समीक्षा। CSIR और सभी 38 प्रयोगशालाओं के निर्देशकों के साथ देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हुई चर्चा। हर्षवर्धन ने की वैज्ञानिकों से निश्चित समय सीमा में कोई समाधान विकसित करने की अपील। भारत में कोरोना के 7,409 सक्रिय मामले, 273 लोगों की हुई मौत, 766 लोगों के इलाज के बाद मिली छुट्टी। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान, कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सरकार हालात में प्रभावी ढंग से काबू करने के लिए बना रही है कई योजनाएं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन इलाकों की संख्या बढ़कर हुई 43। COVID-19 के सबसे ज्यादा खतरे वाले ऑरेंज जोन और रेड जोन को संक्रमण मुक्त करने का काम आज से किया जाएगा शुरू। दुनिया भर में बढ़ रहे COVID-19 के मामले, 18,45,000 से ज्यादा संक्रमित लोग, 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने COVID-19 के मद्देनजर सभी 50 राज्यों के लिए राष्ट्रपति आपदा घोषणा पत्र हस्ताक्षर। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,514 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन को अस्पताल से मिली छुट्टी।